क्या है प्रतीक भाई? अरे एकदम मजा मजा, अरे एकदम मोगल धाम का सब भाई, बगुड़ा वगुड़ा हो क्या है। सोचा फिर अभी प्रतीक भाई को ऐसे मिलने मिलने जाते, बहुत धूप है। काम पे लगो, चलो नहीं 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 ठीक है ठीक है, चलो काम पे लगते। अच्छा है, धूप है, बारिश नहीं हो रही। हाँ सामान रेटा मुको ना जाओ, रेटा जाए वही जाए, चली नहीं जानी चाहिए यहाँ भाई। गाड़ी चाबी मेरे पास है, नहीं जाना। Hey viewers, hope you all are doing absolutely great। और अभी हम लोग आ पहुंचे सोशल मीडिया आश्रम के भूमि पूजन के लिए। अभी प्रतीक भाई से तो मिल लिया है, अभी आगे देखते रहे क्या क्या काम होता है, क्या क्या कैसे होता है। मैं आपको सब दिखाने का ट्राई तो करूंगा, वैसे पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत क्या ऐसे ऑकवर्ड नहीं बनाते पूरी सिचुएशन को, तो देखते रहिए आप अपने हिसाब से। तो दोस्तों अभी हमको यहाँ पर ऐसे अचानक से मिल गए हैं मुकेश भाई। बात ही नहीं करना है। क्यों बात नहीं करना? आपने बोला कि रात में हूँ, ये इधर हूँ। हाँ मैं 1 बजे आया। हाँ 4 बजे गया सोने के लिए मंदिर में। हाँ सोया ही नहीं, अभी लग रहा है जैसे पूरा नींद आ रहा है। तो नींद ही आएगा ना। आपने मेरे साथ क्या किया पता है आपको? मैं सुबह का फोन कर रहा था कि मेरे को लेके चला आप नहीं, आपने मेरे को सीधा टाइम भी दिया कि ये वाले टाइम पे ऐसा होगा। फिर मेरे को दोस्तों फिर मेरे को है ना बाइक लेके 3:30 बजे को आनंद से निकलना पड़ा, और मैं भागता भागता फिर यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि वो फिर है ना बहुत लंबा रूट हो जाता है। और ये भाई ने फिर पूरा का पूरा प्लान ही खराब कर दिया। आपका नसीब अच्छा है कि बाइक से इधर आए। हाँ मैं आया इको से। हाँ इधर कहाँ रूट खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। पूरा एकदम लगा क्लियर बना दिया है हाईवे पे। हाँ तो यार वो अभी क्या काम चल रहा है तो फिर थोड़ा तो ऐसा होगा ना। दायरा मैंने लाइव देखते आया। हाँ दायरा बड़ौदा से चालू हुआ आगे से। हाँ दायरा चलाते हुए यूट्यूब पे इधर आया, मजा आया ना। यहाँ आते आते दायरा खत्म खत्म। तो कोई बात नहीं, पर आपने देख तो लिया ना, मतलब YouTube के माध्यम से। अभी बैन गाएगी, अभी गाएगी ऐसा है। हाँ तो कोई बात नहीं, तो क्या मजा आ रहा है ना अभी इधर? नींद बहुत आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। रात में आप सोया कहाँ? हाँ हम लोग तो उधर मंदिर पे ही, मंदिर पे बगुड़ा ही मंदिर पे। यार मैं तो मजा नहीं किया तो 6 नंबर कहाँ से फोन करूँ यार? 6 नंबर सही था। अरे 1 नंबर था, गद्दा अच्छा था। अरे गद्दा वद्दा सब बढ़िया था, पंखा वंखा मस्त एकदम चल रहा था यार। अब दूसरी बात तो मेरे को ये हुआ, मऊ इधर क्या नाम है गांव का? हाँ मैंने 13 किलोमीटर इको चलाया अभी। हाँ प्रेस का दुकान कहीं मिला ही नहीं। क्यों आपको प्रेस नहीं की क्या? रात वाला ही कपड़ा पहना है। अरे यार हमारे रूम में तो एसी भी था, आपके रूम में था एसी? सच बोलना एसी था कि नहीं था? मेरे पास डबल ऊपर वाला था, हिल रहा था। डबल ऊपर वाला था, एक रूम में 10 जना। हाँ तो फिर और मजा आ गया होगा, प्रेम भाव आप लोगों का बहुत ज्यादा होगा। बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया ना। तो फिर यार यही तो मजा है यार गांव की, सब मिलजुल के रहते हैं यार। स्त्री नहीं मिला ना, वो दिक्कत हो गया। स्त्री अभी आपको ढूंढते हैं, अभी आपका स्त्री काका साथ में थे क्या? ये भी सस्ता नशा करते हैं लेकिन सही है, ऐसा है। ये हमारा दोस्त भावुक से भी आदमी थे, ये भी शेल्टर ऊपर रहे थे। तो कोई बात नहीं, मुकेश भाई बोल दो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का। तो करेगा। अरे बोलो तो सही, करिए योगी भाई को, आगे बढ़े और आगे बढ़ाइए है ना। पीछे आप यहाँ से हमें बताइए कि कुछ घूमने लायक है तो। अरे हम लोग सब घूम के ही आए अभी, उधर बगुड़ा गए, फिर बगदाना गए, फिर अभी बगदाना गया था। हाँ बगदाना, बगदाना जाइए अपने यहाँ फोटो टाइम गए थे। फिर अभी इधर से देखो अभी वापस जाएंगे, तब राजपुरा जाएंगे, फिर बीच में वो 2-3 और जगह आती है, सब घूमेंगे। वीडियो देखना पूरा का पूरा, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ तो कोई बात नहीं, तो आप सो जाना। तो बहुत ही बढ़िया एकदम अरेंजमेंट हो गया है उधर पोपट भाई, अपने विधि विधि के कार्यक्रम में थोड़ा बहुत व्यस्त है, बाद में उनको उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। और ये देखो पूरा इधर कल रात को तो डायरा वायरा था, पर हम लोग ये भाई की वजह से चले गए थे, क्योंकि इनको क्या थोड़ा तबीयत का प्रॉब्लम हो गया था, वॉमिटिंग हो रहा था है ना भाई, तो थोड़ा तबीयत का दिक्कत था। तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा क्या है जल्दी निकल जाते हैं, क्या है फिर इधर वो नहीं करना है, क्योंकि फिर भाई की तबीयत अगर ख़राब होती तो फिर आज क्या हमको वापस आनंद पहुंचना है, फिर वो भी नहीं हो पाता। तो उसके साथ फिर मैंने बोला ठीक है चलो भाई निकल जाते, तो हम लोग 12:30 बजे को तो निकल भी जाए। अब किधर जाना है बोलो? अब यहाँ पे जाना है रसोड़ा विभाग में। हाँ किचन में चलते, चलो किचन में चलते, चलो किचन में जाके देखते हैं क्या काम चल रहा है। अभी क्या करना है इधर? सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, देख लो।
छोड़ दो ना, अब हो गया ना, देख लिया तो भाई को क्या ऐसे किचन विचन, भाई को ऐसे किचन विचन देखना था तो चलो दिखा देते, वरना फिर क्या है वो भाई को ऐसे शांति नहीं होती पूरा दिन, बोला चलो दिखा देते एक बार, देख लिया ना भाई, देख लिया, देख लिया। तो देखने का बाकी हो तो बता ना, वापिस आएंगे एक बार, यूँ घूम के फिर वापिस आएंगे, अभी तो इतने में ही घूमना है 2-3 घंटे के लिए, फिर शायद 12:30-1 बजे को हम लोग निकल जाएंगे आनंद के लिए, है ना, ऐसा ही कुछ अभी तो प्लान बन, फिर देखते हैं शायद कुछ लेट वेट ना हो। ने पोपट भाई और मस्त एकदम बैठ चुके हैं विधि के अंदर, और उसे प्रतीक भाई भी है, ये देखो मुकेश भाई भी, अभी क्या है थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है गद्दे वद्दे का, पर कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। हेलो हेलो, એને એક આધારની જરૂર હોય, ઘણી વખત એક હોકારો થાય ને, એક હોકારોમાં માણસ છે ને એની જિંદગી બદલાઈ જાય, તમે વાણો સાંભળો કે બેડની બસ હતાશાની જ્યારે ડૂબેલા હોય એવા વ્યક્તિની વાત કરું છું, આ તો એક એને મારી બાજુમાં ઊભા એટલે હું એને ખબર, એને તો એને ઘણાને ખબર, આ મૂકીને સુધારી દીધે છે, પણ એવા નિરાધાર એને ખાલી હારો હોકારો છું બસ, કે મૂંઝાતા નહીં આગળ વધો, અને આ ભાઈ પોપટભાઈ એનો પરિવાર એવી હિંમતથી આગળ વધ્યું અને ખૂબ મોટા મોટા કામ કર્યા, એક વાત કરીને વાતને પૂરી કરીશ કે એક વખત એક માણસ એટલો હતાશ થઈ ગયો, મોટા મોટા કામ કરતો હતો, મોટો બિઝનેસ હતો હતો, પણ બધી જગ્યાએથી ખોટ આવવા માંડી, ખોટ ગઈ, એટલે પછી એમ થાય કે હવે આમાંથી મારાથી પાછું પગભર નહીં થવાય, હવે પછી કઈ રીતે આગળ વધવું, જિંદગી જીવવી કેમ, તો એ હતાશામાં ને હતાશામાં એને કહ્યું કે હવે જિંદગી પૂરી કરી નાખી આપો ને, ક્યાંક નદીમાં જઈને ધાબકી જઈએ, સાબરમતી જેવી હોય કે ગમે તે હોય, તો ક્યાંક રેલવેના પાટા નીચે પેલા થઈ જઈએ, આવી રીતે હતાશ થઈને નીકળ્યો કે હવે બસ હવે પાછું જીવવું નથી, તો રસ્તામાં એ થાક્યો તો બાજુમાં એક બગીચો આવ્યો, બગીચામાં એક ભાઈ કોટ પહેર ટાઈ પહેરીને બેઠા હશે, એને આને જોયો, એને બોલાવ્યો કે ભાઈ શું છે, એનો ચહેરો જોઈને એમ લાગ્યું કે આ માણસ કંઈ બહુ ટેન્શનમાં લાગે છે, એટલે કે શું છે, પણ કે નહીં તો કે કંઈ નહીં ભાઈ, કહેવા જેવું કંઈ છે નહીં, તો નાના તું બેસતો ખર તો મૂંઝાય છે એવું કામ, ઓલો માણસ અપટુડેટ દેખાતો હતો, એટલે એ કહે કે એમાં કંઈક, તો કે નાના હું તને મદદ કરી શકું એવો માણસ છું, એટલે તું વિશ્વાસ તો કર, એને કીધું કે આવું બધું બન્યું છે એટલે હવે મને જિંદગીમાંથી રસ ઉડી ગયો છે, અને હવે જિંદગીનો કાંઈ મતલબ નથી, હવે જિંદગી પૂરી કરી દેવાનું કરું છે, તો કે નાના શું કામ, પણ તને ખોટ કહી તો એ ખોટ તો ગમે ત્યારે ભગવાન પૂરી કરી શકે, ઉપરવાળાની તાકાતની તને ખબર નથી, મળી જાય કોઈ ને કોઈ, અને હું તને મદદ કરું છું અત્યારે, તો પછી આગળની વાત આગળ, હું તને 3 વર્ષ માટે મદદ કરું છું, 3 વર્ષમાં તારી પોઝિશન હારી થઈ જાય ને તો પાછું તું મને પરત આપી દેજે, એને તરત જ ચેક મુકાડી દિશામાંથી અને કોરા ચેકમાં સહી કરી કે આ ચેક તારે આ વર્ષમાં જ્યારે વાપરવું હોય ત્યારે વાપરજે, બીજો ચેક આપું છું એ બીજા વર્ષમાં વાપરવા માટે છે, અને ત્રીજો છે એ ત્રીજા વર્ષમાં, 3 વર્ષ પછી તને એવું લાગે ને તો હું 3 વર્ષ પછી આ જ દિવસે આ જ તારીખે આ જગ્યાએ હું તને મળીશ, ઉતાર જા, હું તો રાજી થઈ ગયો, નવું તેજ આવી ગયું, અને હવે કે હવે કે કંઈ મૂંઝવણ જ ના રહી, ઘરે ગયો પાછો કામે લાગ્યો, કામ બીજું તો હતો, હોશિયારી હતો, બધા ધંધા કર્યા હતા એટલે એની નામ તાકાત હતી, બુદ્ધિ હતી, પછી બીજા દિવસે એને વિચાર્યો કે ચેક વાપરવાનું કીધું, પણ મારે ચેક વાપરવાની બહુ જરૂર પડે ત્યારે વાપરીશ, અત્યારે તો હું મહેનત કરીને જ તે મારું ગાડું હાલી જાય એમ છે, મહેનત જ કરવા માંડ્યું, 1-2 મહિના ગયા તોય ચેકની જરૂર ના પડી, થોડું સારું થવા માંડ્યું, વરસ રહી ગયું તો ઉલટાનું વધારે સારું થયું, તો પછી કે હવે મારે ચેક શું કામ વાપરું, એ 1 વર્ષ તો વહી ગયું, બીજા વર્ષમાં એ કે હવે મને તો ચેકની જરૂર જ નથી, મારી તાકાતથી ભગવાન મને આટલો રોટલો દેવા માંડ્યો છે, મારે કોઈ જાતની મારા પરિવારની તકલીફ ના રહી, 2-3 વર્ષ વહી ગયા તે તરત પછી એને બી માહિતી એટલે આ 3 ચેક મારે પાછા આપવાના હતા જે મેં એની પાસેથી લીધા હતા, વટાવ્યા નથી,
પણ મારે એનું ઋણ ચૂકવવા માટે જવાનું હતું એટલે એક દિવસે પાછો ત્યાં પહોંચી ગયો અને રાહ જોઈ એટલામાં એ ટાઈમે તો ઓલા દેખાણા નહીં ઓલા કોટ તાઈ વાળા જે ભાઈ હતા એ બહુ સુધી આડાવડા જે હોય તો પછી બાજુવાળાને કોઈને પૂછ્યું એ બગીચાનો માળી હતો એ માળીને પૂછ્યું કે એક ભાઈ અહીંયા હતા અને મને ત્યારે 3 વર્ષ પહેલા કીધું હતું કે હું પાછો અહીંયા જ આવજે તો કાંઈ તો હમણાં 2-4 દિવસે નથી આવતું એ તો એનો પાગલ છે કે કોટ ટાઈ પહેરીને આવે ને તો કે હા એ તો કે એ તો પાગલ છે ને ઘણાને આવે છે કાપી દઈશે બધા પણ ખાલી ખભો થાબડવાની જરૂર હોય આ ચેક એને વાપરીએ નહીં પણ એની તાકાત એક મન થી મળી ગઈ અને એ તાકાતે જે આ કામ કર્યું તો પોપટભાઈ ને આવી તાકાત નંદકુરબામાંથી મળી બાલાસુરમાંથી મળી સોશિયલ મીડિયાના એના આખા મોટા વર્તુળમાંથી તો આવું કેટલું જોવા મળતું છે ને એના દ્વારા આ એમની સોશિયલ મીડિયાની ટીમ દ્વારા કેટલાયના જીવન આ રીતે ઉજાળતા હશે અત્યારે તે આશ્રમ તો થશે ત્યારે એમાં ઘણાનો ઉદ્ધાર થશે પણ એ સિવાય એમની જે પ્રવૃત્તિ છે અને એ મહિપતિ છે એને કેટલાયના આવી રીતે જિંદગીની અંદર પરિવર્તન કરી દીધું છે જે હતાશ થયેલા હોય એની જિંદગીમાં નવું જોમ એટલે આ નવું જોમ છે ને એ આપે છે પરમાત્મા પણ કોઈને ને કોઈને નિમિત્ત બનાવે છે કોઈને કોઈ નિમિત્ત બનાવે છે ભગવાને લખેલું છે કે વાગ્નગરની ધરતી આમાં નિમિત્ત બને तो दोस्तों जैसे कि पीछे आपने देखा मैंने आपको छोटा सा एक स्पीच दिया मतलब आपको दिखाया मतलब कनु भाई कलसारिया का बहुत ही बढ़िया उन्होंने बात कही और बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं उनका भी सब सम्मान उम्मान चल रहा है पूरा कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया चल रहा है एकदम मस्त और गोबर पर वो सब तो अभी बिल्कुल ही बिजी है अपने काम के अंदर तो वो लोग तो खैर मिल नहीं पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं उनको अप्रोच करने का क्योंकि अभी क्या है उनको वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करना और अपना भी ऐसा है कि मतलब खाना पीना सब हो जाए तो फिर इधर से निकलना है क्योंकि फिर लेट हो जाएगा आना पहुंचने में तो वो भी सारी दिक्कतें हैं तो बस अभी देखते रहे और फ़ोन के अंदर चार्जिंग भी बिल्कुल ही नहीं है तो शायद ब्लॉग मेरे को घर पे जाके एंड करना पड़े तो ऐसे सब दिक्कतें हो रही है तो कोई बात नहीं पर आप देखिए पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं वापस शेल्टर के ऊपर जैसे कि आप लोग देख रहे हो अपना ये बगुड़ा वाला ब्लॉग जो है वो अपलोड हो रहा है और ये भूमि पूजन वाला ब्लॉग मेरे को यहाँ पे आके एंड करना पड़ रहा है क्योंकि फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी और हमें उधर से निकलना पड़ा आनंद आने के लिए तो ये रहे अपने पोपट भाई क्या कहना चाहोगे अभी हम जा रहे हैं एक इवेंट में हाँ हाँ आज गणपति का पहला दिन है हाँ हाँ भगवान की प्रार्थना करने जा रहे अरे वो तो है ये तो भूमि पूजन वाला ब्लॉग है वो एंड करना ही रह गया था बैटरी नहीं था ना फोन में तो अच्छा, उसके बारे में क्या अच्छा, कहना चाहोगे बहुत अच्छा भूमि पूजन बहुत अच्छा सर वो तो मुझे बोलना है कि बहुत अच्छा था आप क्या बोलोगे मैं यही कहूँगा कि आपने जो मिस कर दिया है तो हमारे ऑफिशियल पेज पे जाके देख सकते हो हाँ और बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा उस टाइम पे हाँ हमारा काम जो था भगवान की मर्जी पे काम करना और भगवान धरती माँ की मर्जी ले ली अब काम करना है 10 गुना ज्यादा तेजी से हाँ तो देखते रहिए योगी भाई के ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए आपका सपना पूरा हो गया ना नहीं अधूरा सपना तो ऐसे नहीं पर अभी मतलब शुरू तो हो गया ना ऐसा सपना शुरू हुआ है शुरू हुआ ना कोई बात नहीं तो पोपट भाई का तो सपना शुरू हो चुका है जो उन्होंने ठाना था वो कर रहे हैं आप लोग भी कीजिए और यही था ये वाला पूरा का पूरा व्लॉग ज्यादा शूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि उधर भी बहुत सारे कामों में फंसा हुआ था और फिर बाइक लेके आना जाना तो बहुत दिक्कतें थी और मतलब एक्शन कैमरा भी मेरा चार्ज नहीं हो पाया था जैसे कि आपने पिछले वाले मतलब ये वाले व्लॉग में आप लोग देख लोगे तो डू व्हाट यू लव लव व्हाट यू डू टिल देन स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही हमारे व्लॉग देखते रहिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।